दोस्तों चंदेल रसोई में आज हम बनाएंगे गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा खट्टा मीठा गोलगप्पे का पानी किसे पसंद नहीं है। हम इसे आज घर पर ही बनाएंगे और इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चंदेल रसोई में आपका स्वागत है और खट्टा मीठा गोलगप्पे का पानी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली। इमली वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, पर अगर आपको बिना बीज वाली मिलती है तो वही लें, क्योंकि इससे इमली का रस निकालना थोड़ा सा आसान है। मैंने यहाँ पर 1 कप इमली ली है। और हमें चाहिए गुड़। 1 कप इमली के लिए हमें 1/2 कप गुड़ चाहिए। इमली और गुड़ का बहुत ही सिंपल सा रेशो है, 1 हिस्सा इमली और 1/2 हिस्सा गुड़। अब हमें इन दोनों को अलग अलग बर्तन में डालकर बॉईल करना है। मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसे गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है और उसमें ऐड कर देंगे इमली। थोड़ा सा करछी की सहायता से इमली को तोड़ लेंगे। दोस्तों अगर आपको मार्केट में सीडलेस इमली मिलती है तो वही लें, उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसे छानना थोड़ा सा आसान होता है। साथ ही मैंने एक और बर्तन को गैस के दूसरे चूल्हे पर रख लिया है और उसमें मैं गुड़ को बॉईल करूँगी। उसमें भी मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें गुड़ को डाल देंगे और थोड़ा सा करछी से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड़ गर्म पानी में बहुत आसानी से पिघल जाता है। हमें दोनों को लगभग 5 मिनट तक गैस पर पकाना है। शुरू में गैस का फ्लेम मीडियम रखें और उसके बाद हाई कर दें। इमली को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इमली अच्छे से सॉफ्ट होने लग गई है और पानी में घुलने लग गई है। उसे थोड़ा सा करछी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गुड़ को पकते हुए भी लगभग 2 मिनट हो गए हैं और गुड़ अच्छे से पिघल गया है। हमें करछी परफेक्टली चलाते रहना है और हमें इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे इमली अच्छी गाढ़ी हो गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इमली को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये बहुत गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे और नहीं पकाना है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पल्प से पानी को छन्नी से या किसी पतले जालीदार कपड़े से छान कर अलग कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पर गुड़ को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। गुड़ उबल कर हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे और नहीं पकाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जैसे ही गैस का फ्लेम बंद करें, गरम गरम गुड़ के पानी में हम 1/2 चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ को थोड़ा सा गुड़ में मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और इतने में सौंफ का फ्लेवर अच्छे से गुड़ में आ जाएगा। गुड़ का पानी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है और इसे आप छन्नी से या किसी कपड़े से आसानी से छान सकते हैं और हमारा गुड़ वाला मीठा पानी बिल्कुल तैयार है। अब हमें इमली को भी छान लेना है। इमली को छानने से पहले इसके पल्प को हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और ये पल्प काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसे ऐसे छानना मुश्किल है, तो हम इसे छानने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/2 कप के बराबर, ताकि ये छानना इजी हो जाए। एक पतले से जालीदार कपड़े से छान लिया है और ये मेरा इमली का पानी तैयार है। अब हमें दोनों पानी को एक बड़े बर्तन में मिक्स कर देना है। दोस्तों ये पानी की परफेक्ट रेशो है, इससे थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा पानी बनता है। अगर आप गोलगप्पे के पानी को ज़्यादा खट्टा चाहते हैं तो गुड़ का पानी थोड़ा कम डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा पानी चाहते हैं तो थोड़ा इमली का पानी कम डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1/3 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 चम्मच रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच हींग और यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लूँगी। अब इस अदरक के पानी को भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास घर पर अदरक का पाउडर है तो आप 1/2 चम्मच अदरक का पाउडर इसमें डाल दें, फिर आप अदरक का रस स्किप कर सकते हैं। दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ डालनी है, या अदरक का रस या अदरक का पाउडर। दोस्तों मैं अभी इसमें 1/2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है और ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप एक बार गोलगप्पे के पानी को चख लें, अगर आपको पानी परफेक्ट लग रहा है तो बिल्कुल भी पानी ना डालें। अगर आप थोड़ा सा पानी डालना चाहते हैं तो 1/2 कप पानी से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उनका टेस्ट इम्बेलेंस हो जाएगा और मसालों का जो परफेक्ट टेस्ट पानी में आता है वो नहीं आएगा। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारे आइस क्यूब्स और ये ठंडा ठंडा खट्टा मीठा पानी बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये इतना टेस्टी होता है
कि आप इसे बिना गोलगप्पे के ऐसे ही भी पी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।